हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है अप काउंटर। लास्ट लेक्चर्स में हमने SRD, JK एंड T फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पढ़ा, उनका VSDL कोड देखा, वो कैसे वर्क करते हैं, क्या उनकी फंक्शनिंग है, उनकी टेबल कैसे फॉर्म होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल कैसे बनती है, ये सब हमने पढ़ा। आज हम विद द हेल्प ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप और उसकी स्पेशल कंडीशन J=1 एंड K=1, जो हमने T फ्लिप फ्लॉप में पढ़ा था, टॉगल फ्लिप फ्लॉप में, उस कंडीशन को हम यूज करके अप काउंटर डिजाइन करेंगे। ओके, देन हम वेव फॉर्म की हेल्प से देखेंगे कि कैसे स्टेट्स चेंज हो रही है। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी डिजिटल डिजाइन में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, कैसे एक सिंक्रोनस काउंटर, असिंक्रोनस काउंटर, अप डाउन, मॉड काउंटर, ये सब कैसे डिजाइन किए जाते हैं, हमने वहाँ काफी डिटेल में पढ़ा है। ओके, तो ये डायग्राम आप सबको देख के ही समझ में आ रहा होगा। देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रीवियस जो फ्लिप फ्लॉप है, फर्स्ट तो हम ये देखते हैं कि देखिए जे और के दोनों को हमने कंबाइन कर दिया और कहाँ अप्लाई किया है, VDD यानी कि 1 पे। ओके, सो डिजिटल में 1 इज ऑन एंड 0 इज ऑफ, तो यहाँ पर हमने 1 अप्लाई किया है चारों इनपुट्स पे, और वो इनपुट्स क्या हैं, आपस में कंबाइन है, जे के, ये जे के एंड दिस जे के, सो चार फ्लिप फ्लॉप हम यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम 4-बिट काउंटर बना रहे हैं। ओके, 4-बिट काउंटर मीन्स टू द पावर 4, 16 मीन्स 0 to 50। सो ये काउंटर आपका कहाँ से कहाँ तक काम करेगा, 0 से 15 तक की ये काउंटिंग करेगा। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स, तो यहाँ पे आप 4 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, और फ्लिप फ्लॉप कैसे हैं आपके, टी फ्लिप फ्लॉप। क्लियर, ये किस तरीके का काउंटर है, ये असिंक्रोनस काउंटर है, क्योंकि आप प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को क्लॉक की तरह यूज कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में। क्लियर, अगर ये सिंक्रोनस काउंटर होता तो आपके चारों फ्लिप फ्लॉप्स पे सेम क्लॉक अप्लाई होती, यानी एक क्लॉक होती जो आप यहाँ पे चारों फ्लिप फ्लॉप में एक साथ देते, तो उस टाइप की फ्लिप फ्लॉप, उस टाइप के काउंटर्स को आप सिंक्रोनस काउंटर्स कहते हैं। ये अप काउंटिंग कैसे कर रहा है, तो वो आप विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म या जैसे जैसे इन बिट्स का ट्रांजिशन होता है जब आप क्लॉक अप्लाई करते हैं, तो आप पढ़ते हैं कि किस तरीके से आउटपुट चेंज होते हैं और आपकी जो बिट्स हैं वो चेंज होके आपको आउटपुट देती हैं 0000001, 0010, 0011। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इनपुट्स वैल्यूज का, 1 to 0, 0 to 1, 0 to 1। ओके, तो ये ट्रांजिशन जिस तरीके से आपका आउटपुट चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक, आपकी वैल्यूज चेंज होंगी। क्लियर, अब ये अप काउंटर है, तो अप काउंटर केस में आप क्यू आउटपुट को क्लॉक की तरह यूज करते हैं। अगर डाउन काउंटर आप डिजाइन कर रहे हैं तो आप क्यू बार को क्लॉक की तरह यूज करेंगे, यानी क्यू बार पे जो भी आउटपुट होगा वो आप क्लॉक पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो आई होप इतना ब्रीफ जो मैंने आपको किया, जो समझाया, उससे आपके जो बेसिक्स हैं काउंटर के वो थोड़े क्लियर हो गए होंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ 4 फ्लिप फ्लॉप्स क्यों यूज कर रहे हैं, हम किस तरीके से जे और के पे वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड किस तरीके से हम किसी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को और कौन से आउटपुट को, ओके, कॉम्प्लीमेंट वाले आउटपुट को या नॉर्मल आउटपुट को अप्लाई करेंगे या यूज करेंगे क्लॉक की तरह फॉर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। क्लियर, अब हम इसकी वेवफॉर्म देख लेते हैं जल्दी से, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये क्या हो रहा है, कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये Q0, Q1, Q2, Q3, ये यही आउटपुट्स हैं आपके, Q0, Q1, Q2, Q3 जो आपने ले रखे हैं। क्लियर, तो Q0, Q1, Q2, Q3, और जिस तरीके से आपकी क्लॉक चेंज होगी, वैल्यूज चेंज होंगी, आपकी ये वेवफॉर्म्स चेंज होती रहेंगी। क्लियर, तो ये जो क्लॉक का पार्ट है वहां पर ये ट्रांजिशन हो रहा है आपका,
क्लियर। और कैसे वैल्यूज आपकी चेंज हो रही हैं वो आप यहां से देख सकते हैं। जब हमने डिजिटल डिजाइन पढ़ा तो हमने ये भी देखा था टी फ्लिप फ्लॉप जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी डिवाइडर की तरह काम करता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन की। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से आपके आउटपुट आगे बढ़ रहे हैं, यानी क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू थ्री, क्यू टू, क्यू थ्री, जो टाइम ड्यूरेशन है वेव फॉर्म का वो बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। क्लियर। तो ये कई क्वेश्चन, मतलब ये कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टी फ्लिप फ्लॉप को फ्रीक्वेंसी डिवीजन सर्किट भी क्यों बोला जाता है। क्लियर। तो उसका सिंपल सा एग्जाम जो आंसर है वो आप इस वेव फॉर्म की हेल्प से देख सकते हैं। अगर आप इनको सीक्वेंस में लिखेंगे तो देखिए 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, तो ये सब क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से काउंटिंग अप टू 15। सो 1111 इज योर 15। क्लियर। तो आई होप ये टेबल सॉरी ये जो डायग्राम है, फिगर है आपका टाइमिंग डायग्राम का, जो आपकी ट्रांजिशन है आउटपुट्स के, इससे आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा कि आपने क्या पढ़ा था डिजिटल डिजाइन में जब आपने काउंटर डिजाइनिंग पढ़ी थी। तो यही जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये काउंटिंग आपको 0 से 15 तक देगा, तो फ्रॉम 0000 to 1111। क्लियर। तो आई होप आपको अप काउंटर की कहानी समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आप डाउन काउंटर डिजाइन करते हैं, क्यू बार को आप क्लॉक की तरह यूज करेंगे, और ये जो कहानी थी ये आपके असिंक्रोनस काउंटर्स की थी। क्लियर। तो अब हम इसका VSDL कोड देखेंगे और देन हम EDA प्लेग्राउंड में उसको रन करके देखेंगे कि हमें काउंटिंग किस तरीके से मिल रही है। ओके, ये हमारा VSDL कोड है फॉर अप काउंटर। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी डिफाइन करेंगे, देन एंटिटी। तो एंटिटी में देखिए क्लॉक एंड रीसेट जो है आपके वो इन इनपुट पोर्ट हैं, और काउंट एक पोर्ट डिफाइन किया है हमने जो इन आउट की तरह काम कर रहा है। ओके, सो वही जो आपका बेसिकली एक क्लॉक की तरह भी बिहेव कर रहा है और आउटपुट की तरह भी बिहेव कर रहा है। क्लियर। तो ये काउंट जो है हमने यहाँ यूज किया है फॉर इन आउट ऑपरेशन। देन आप आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे, बिगिन किया आपने, प्रोसेस किया क्लॉक रीसेट को। अगर रीसेट की वैल्यू 1 है तो डेफिनेटली काउंट की वैल्यू 0 होंगी, कुछ भी काउंट नहीं हो रहा होगा। अगर आपकी राइजिंग एज क्लॉक है, ओके, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काउंटर डिजाइन कर रहे हैं, मतलब कौन सी क्लॉक आप यूज कर रहे हैं, इधर निगेटिव एज क्लॉक और पॉजिटिव एज क्लॉक, और अगर उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लॉक वर्क कर रही है या फिर आपका काउंटर वर्क कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपके जो काउंट हैं वो इंक्रीमेंट होते जाएंगे, मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 15। देन एंड इफ एंड प्रोसेस एंड एंड बिहेवियर, मीन्स आपने आर्किटेक्चर को क्लोज करो। सिंपल। सो टेस्ट बेंच का कोड आप एंटिटी लिखेंगे, आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे, कंपोनेंट डिक्लेयर करेंगे, देन पोर्ट मैप कराएंगे, और उसके बाद अपनी कंडीशंस अप्लाई करेंगे। सो देखिए यहाँ क्लॉक अगर 0 है तो ये सब आपने पोर्ट मैप करा दिया, उसके बाद क्लॉक अगर 0 है सो 20 नैनो सेकेंड का डिले देंगे आप, और क्लॉक की वैल्यू अगर 1 है देन अगेन 20 नैनो सेकेंड का डिले देंगे, और उसी बीच में आपके जो काउंट्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। तो अब हम विद द हेल्प ऑफ EDA प्लेग्राउंड इस VSDL कोड को रन करते हैं, और EDA प्लेग्राउंड पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। देन आपको सबसे लेफ्ट हैंड साइड में टेस्ट बेंच प्लस डिजाइन में VSDL सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं आप VSDL कोडिंग कर रहे हैं। देन टॉप एंटिटी में आप टेस्ट बेंच में जो एंटिटी का नाम आपने दिया है, सो सिंक्रोनस अंडरस्कोर अप काउंटर अंडरस्कोर टेस्ट बेंच, वो आप लिखेंगे। तो जो कोड मैंने आपको समझाया अभी वो कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और VSDL के कोड जो है वो .vsd एक्सटेंशन से सेव होंगे। क्लियर। तो यहाँ पूरा कोड लिखने के बाद एंड देन टेस्ट बेंच का कोड लिखने के बाद
आप इसे सेव करेंगे, यहाँ ऑलरेडी मैंने इसे सेव किया है। देन टूल्स एंड सिमुलेटर में जाके आप एडेक रिवरिया प्रो 2020.04 सेलेक्ट करेंगे एंड देन रन टाइम में आपने जो भी डिले दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने रन टाइम को मतलब मीन्स आपको वेव फॉर्म्स प्रॉपर तरीके से दिखनी चाहिए और आप ओपन ईपी वेव पे क्लिक करेंगे ताकि आपको वेव फॉर्म दिखे। उसके बाद आप रन करेंगे अपने प्रोग्राम को और अगर आपके प्रोग्राम में आपके VSDL कोड में कोई एरर नहीं है तो वो सिमुलेशन एज फिनिश्ड आपको मैसेज देगा और कुछ इस तरीके से आपकी ईपी वेव की विंडो ओपन हो जाएगी। ओके तो देखिए यहाँ पे टाइम मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ, सो 500 की जगह मैं इसे 800 अगर करता हूँ और देन मैं इसे अगर रन कराता हूँ तो देखिए मुझे पूरी एक साइकिल दिख रही है एफ तक, क्लियर। तो देखिए क्लॉक जीरो अगर वैल्यू है तो 20 मिली नैनो सेकंड के लिए वो वेट करेगा, यहाँ पे देखिए आपने डिफाइन किया है टेस्ट बेंच में 20 नैनो सेकंड के लिए वो वेट करेगा। क्लॉक की वैल्यू जब 1 होगी तो वो भी 20 नैनो सेकंड, तो टोटल जो टाइम पीरियड है एक क्लॉक का एक ड्यूरेशन का वो 40 नैनो सेकंड हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी काउंटिंग इंक्रीज कर रही है हर पॉजिटिव एज पे। तो जैसे ही पॉजिटिव एज आया 1, देन अगेन पॉजिटिव एज आया देन 2, 3, 4 और ये काउंटिंग आपकी जाएगी एफ तक। ओके और एफ के बाद अगर आप रीसेट नहीं कर रहे हैं तो अगेन वो जीरो से काउंट करना स्टार्ट कर देगा। ओके तो यहां पर देखिए रीसेट कंप्लीटली जीरो है, क्लियर। यहां क्लॉक की वैल्यू 1 हो गई, ये काउंट 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये ब्यूटी है काउंटर डिजाइन की, मींस आप विद द हेल्प ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप एक काउंटर डिजाइन कर सकते हैं 8 बिट 16 बिट टू द पावर में नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज करिए और काउंटर डिजाइन करिए। ओके सो आई होप डिजिटल डिजाइन की जब लैब आपने की होगी तो आपने विद द हेल्प ऑफ सम आईसी काउंटर्स डिजाइन करे होंगे पर्टिकुलर नंबर ऑफ बिट्स के लिए। ओके सो आई होप आपको ये अप काउंटर की थ्योरी, उसका VSDL कोड और उसे हम कैसे सिमुलेट करके वेरीफाई करेंगे या वेवफॉर्म की हेल्प से कैसे समझेंगे कि अप काउंटर कैसे वर्क करता है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाउन काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। सो आज की लैब के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।